बज गया पिघुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। बोलिए तो जीतेगा ना डिप्टी मेयर में, हाथ उठा के एक बार बोलिए डिप्टी मेयर भी। मेरी बेटी को आप लोग बनाइएगा नहीं जीतता, आज बनाइएगा ना तो हाथ उठा दीजिए। बोलिए आजाद गांधी जिंदाबाद, आजाद गांधी जिंदाबाद, अंजना गांधी जिंदाबाद, अंजना गांधी जिंदाबाद, डिप्टी मेयर जिंदाबाद। देखिए कभी पानी की समस्या को लेके जूझते हैं, कभी जाम की समस्या को लेके परेशान होते हैं, कभी गंदगी की समस्या को लेके परेशान होते हैं, कभी स्वास्थ्य की समस्या को लेके परेशान होते हैं। तो जो एक क्रांतिकारी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के समय किया था, आज फिर वही एक क्रांतिकारी आंदोलन फिर करेंगे और पटना को स्वर्ग निगम बनाएंगे। नाम संख्या एक है और गेहूं की बाली मेरा चुनाव चिन्ह है। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर के रूप में डॉक्टर अंजना गांधी शिक्षा भी है, मनोज शिक्षक है, प्रोफेसर रहेंगे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए आपको हम बताइए, जो आपके भाई के रूप में काम करे, चाचा के रूप में काम करे, ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम अंजना गांधी है और इस बात को जनाब पूरे से चाह रहे हम लोग चाहते हैं कि पटना को मॉडर्न टाउन बनना चाहिए, कागज पर नहीं बनना चाहिए। आप जब देखते हैं कि पटना सिटी के हालात कितने बद से बदतर है, जन समर्थन मिल रहा है और जीत हम मेरी ही होगी और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जिन चुनौतियों के साथ, जिस संकल्प के साथ मैं मैदान में उतरी हूँ, ये युवाओं और महिलाओं और पुरुषों सबके लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें मुझे कामयाबी हासिल होगी। मैंने मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में जो स्थापित करना है, पानी की समस्या, जाम की समस्या, इन सबको दूर करना है और नए टेक्निकल तरीके से करना है। महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी की जी के विचारों को लेते हुए मैं अंजना गांधी, पूर्व विधान पार्षद आज़ाद गांधी जी की बेटी, क्रमांक संख्या एक, मेरा चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली है, मेरी विजय जरूर अवश्य होगी और हम जीत अवश्य हासिल करेंगे। आज लोगों ने महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर लोगों ने संकल्प लिया है कि हम पटना, पुरानी पटना को हम वापस लाएंगे। जो हमारा पटना का एक प्राचीन इतिहास था, जो सम्राट अशोक ऐसे महान शख्सियत की भी कोशिश थी कि हम यहाँ राज सत्ता करें, महात्मा ये बुद्ध भी आज यहाँ आने का काम किए, इतना विशाल पटना को हम, पुराना पटना को हम वापस लाना चाहते हैं। पटना की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जाम से त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण जो रुका है, लेकिन इसको और हम रोकने का प्रयास, अगर हमारी अंजना गांधी डिप्टी मेयर बनती है तो हम पुराना पटना को वापस लाएंगे, उद्योग का जाल बिछाएंगे, रोजगार का अवसर देंगे, जो हमारे घाटों का स्थिति खराब है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। महिला क्लिनिक हम चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो पटना PMCH लोग नहीं जाए, छोटे छोटे इलाज के लिए लोग जो है अपने वार्ड स्तर पर इलाज करें, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र अपने वार्ड में बनाए, सारी समस्याओं का जो है निदान वार्ड में हो, वार्ड को पावर मिले, वार्ड आयुक्त को पावर मिले। हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन वार्ड में हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अब पटना को आदर्श स्मार्ट बनाने का काम। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।